नंबर 949 से बोल रहा हूँ। सूर्योदय होने वाला है, हमें लैंड करने की इजाजत कब मिलेगी? आज यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आपको कुछ देर बाद 2 नंबर रनवे पर लैंड करने की इजाजत दी जाएगी। तब तक इंतजार कीजिए, आपको जल्द घुमा दिया जाएगा। और अब एक विशेष सूचना, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में आज सुबह कुछ अज्ञात हमलावरों ने घुसने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों और वहाँ की लोकल पुलिस ने बिल्डिंग को सुरक्षित कर लिया, लेकिन इस दौरान चारों ओर अफरा तफरी का माहौल फैल गया। जब मेलबर्न में ये हादसे हुए तो दुनिया भर को सावधान कर दिया गया। हम अपनी ड्यूटी पर थे, मैं अपनी हमलावर वाली टीम की अगवानी कर रहा था और उन सबको पूरी तैयारी में रखने की कोशिश में था, और तभी हमें ये खबर मिली। तुरंत पहुंचने का ऑर्डर था। उस वक्त हमें सबका जरा भी अंदाजा नहीं था, पर हमें जल्दी पता चल गया। कर्नल, हमें ये बताइए, क्या हम किसी और सुरक्षा टुकड़ी को बुलाएं? ठीक है, रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए उनसे कोड गामा 7 पर संपर्क कीजिए। कर्नल गुस्से में है, मामला गंभीर है। कुछ ज्यादा ही गंभीर होंगे, तभी उन्होंने हमें बुलाया है ना कैप्टन? सभी यूनिट ठीक कहा कॉर्पोरल, कोड गामा 7 पर लौट आए। मामला क्या है सर? ये तो अभी मैं भी नहीं जानता, यानी जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो
चलो चलो जल्दी उतरो, नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो, आ जाओ शाबाश। आपका स्वागत है, बोलिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं आ, हथियार तैयार रखो, चलो। ए, सुनो तुम, हम लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, तुम लोग नीचे संभालो, चलो। लगता है आपके आदमी यहाँ आ चुके हैं जनरल। वो मेरे आदमी नहीं है। दुश्मन आ गए। खून डालो। चलो चलो चलो, वो लोग इस वैन को गोलियों से छलनी करने वाले हैं। किया जाए, मुझे बैग दो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें साथ ले जाना। जैक्सन, चलो चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, हट जाओ, भाइयों से जाओ, संभाल कर, रास्ता साफ है, ऊपर, मैं बाहर हूं सर, हम बाई ओर हैं, हाँ चलो चलो, पीछे चलो, चलो पीछे, हाँ आगे चलो, चलो जैक्सन निकलो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो, रास्ता साफ है। चुप
कैप्टन, एक और मारा गया। दायरे से बाहर हो मुझे बिस्तर से उठा करके लाए हो, मैं तो सोया हुआ था। मुझे नहीं मालूम, मुझे तुम्हें लाने का हुक्म दिया गया था। बॉम्ब स्क्वाड के कुत्तों का काम खत्म हो गया है सर। कैप्टन डैनियल, ये अभी भी जिंदा है। वो हमें मारने की पूरी तैयारी से आए थे। बढ़िया काम कैप्टन। शुक्रिया सर। जैकी रोजर्स चैनल 19। वहाँ जाइए। शुक्रिया। कैप्टन डैनियल्स, कैप्टन डैनियल्स, माफ कीजिएगा, क्या हम आपसे एक मिनट बात कर सकते हैं? इनसे बात कर लो कैप्टन। जी सर। सुना है कि आज आप असली हीरो थे कैप्टन, हमें उस बारे में कुछ बताएंगे? इस मिशन में मैं अकेला हीरो नहीं हूँ, आप किसी और से पूछिए। कैप्टन डैनियल्स, यहाँ कोई खुफिया टेस्ट हो रहे हैं क्या? इसीलिए आतंकवादियों ने बेस पर हमला किया, कुछ बताएंगे? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कुछ बताया नहीं। सुना है कि आपकी टीम ने कई आतंकवादियों को मारा है और इसमें आप भी शामिल हैं, कैसा महसूस हो रहा है? वो लोग तो मारे गए हैं, आप उनसे जाकर पूछिए। पर कैप्टन डैनियल्स, हमने सुना है कि उनके लीडर को आपने अपने हाथों से मारा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैक्सन, जैक्सन, इन सबको बाहर निकालो। सिर्फ एक दो सवाल और। ने क्या कहा सुनाना आपने? नहीं, चलिए चलिए, जाइए यहाँ से, चलिए। वो कैमरा बंद कीजिए। तुम्हें अब भी रुतबे वाली औरतों से परेशानी होती है ना? मुझे बेहुदा सवालों से परेशानी होती है कैप्टन जेनिंग्स। कैप्टन सर, यह है रॉबर्ट गोमेस सिविलियन कंट्रोल से, यह हमारे उपकरण ठीक करेंगे। यह है कैप्टन डैनियल्स। हेलो, आपसे मिलकर खुशी। डैनियल्स मेरी जॉइंट स्ट्राइक फोर्स के सबसे काबिल अफसरों में से एक है। तो ठीक है, सब काम पर लग जाए, बहुत गपशप कर ली, चलिए मैं चलता हूँ। जी सर। तुमने गौर किया, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो रशीद, हरगिज नहीं, वो मेरा बंदी है। एक बात गौर से सुनो, हमारे बीच ये तय नहीं हुआ था, समझ गए क्या? अच्छा बात सुनो, पहले ये बताओ मेरा भाई इस्माइल कैसा है? मुझे तुम्हारी जंग से कोई मतलब नहीं, बोला ना एक बार। सुनो सुनो रशीद, मुझे पैसा भेजो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। उदय, आशिम, यहां लो इसे। बैठो। नहीं, मत मारिए मुझे, मत मारिए। मोहम्मद, ओ
उन्होंने यहाँ इतनी तबाही मचाई है कि यहाँ का एंटीना और पूरा सिस्टम एकदम तहस नहस हो गया है। हद है, उन्होंने सबको मार दिया। रॉबर्ट, तुम जल्द से जल्द इन चीजों को ठीक करो। हाँ, ठीक है सर। इसकी मदद करना कैप्टन। जी सर। आप लोगों के पास UHF सेट है? हमारे पास फील्ड रेडियो है। अच्छा है, हम उन्हें बैकअप रिपीटर से जोड़ देंगे। मैं सिग्नल को रीरूट कर दूंगा ताकि हमें प्रोजेक्टर पर तस्वीरें दिखें। सिमंस, कूपर, फील्ड रेडियो ले आओ। जैक्सन, इधर आओ। रॉबर्ट को इसे शुरू करने में मदद करो। जी सर। पावर सोर्स ठीक करो, पहले मेन स्विच ऑन करो। सर, वो ऑनलाइन है, आपका देखना जरूरी है। उंगली के निशान चाहिए। ये क्या है? ये रशीद अल फैसल है, कुछ देर पहले सुना था कि इंडोनेशिया में है। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं सुनी। वो डेल्टा टाइगर से निकल गया था और अब दुनिया में तहलका मचा रहा है। कब्रिस्तान बन जाएगा। हमारे साथियों को छोड़ दो, इसी में समझदारी है। जब उन्होंने मिलिट्री बेस पर हमला किया तो हमें उनके और उनके इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर रशीद का चेहरा देखकर मैं हालात की गंभीरता समझ गया। उसने पहले भी हजारों बेगुनाह लोगों को मारा था और वो एक बार फिर तबाही मचाना चाह रहा है। तो हमारे बेस पर हमला सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। एकदम ठीक कहा आपने। हमारे भाइयों को आजाद करें, वरना बहुत बुरा होगा। जो आपकी कैद में हैं, उन्हें आपको रिहा करना होगा। अबू बकर अलवी को, मुख्तार अली शेख, पता नहीं फ्लाइट कंट्रोल वालों ने रिमोट क्यों ऑन रखा है, मोहम्मद रमन, जो आपकी जेलों में बंदी पड़े हैं, वो गायब है। मैं हर घंटे एक प्लेन क्रैश करूंगा। उसे निशाना बनाओ। फ्लाइट 402, उसे हवाई भेज दो। उसका पर्ल हार्बर में क्रैश होना ज्यादा असरदार होगा। जनरल, पेंटागन ने यह तकनीक सुरक्षा के ख्याल से बनाई थी। अगर विमान का अपहरण हो जाए तो वो पायलट के नियंत्रण हक काट दे, उसे रिमोट से चलाएं ताकि कोई उसे बिल्डिंग से टकरा ना दे। ओह, आप ये कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड कंट्रोल एनकोडर से आप कोई भी विमान रिमोट से चला सकते हैं? अगर फ्लाइट का रिसीवर चालू हो तभी ये काम करेगा। और उस उपकरण से सब कब्जे में कर सकते हैं। फ्लाइट 402 से बोल रहा हूँ टॉवर, हमारी ऊंचाई अचानक बदल गई है, हमें सलाह दे। ओवर। टॉवर 843 बोल रहा हूँ, ऑटो पायलट हमें अनजान दिशा की ओर ले जा रहे हैं, आपको हमारे संकेत मिल रहे हैं। ओवर। रुक जाओ 843, एक और विमान ऑटो पायलट में चला गया है, उसे मैनुअल सिस्टम पर चलाने की कोशिश करो। मैं दोबारा मैनुअल सिस्टम बंद पड़ा है, वो चल नहीं रहा, फिर से दोहराता हूँ। AIA फ्लाइट 949, हमारे कब्जे में है, उसे घुमा लो। किशोर, बाहर का मौसम सामान्य है। फ्लाइट 949 से बोल रहा हूँ टॉवर, विमान में कुछ खराबी आ गई है। फ्लाइट 949, आप क्रैश होने वाले हैं, क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी आप थोड़ा सा कंट्रोल टावर के साथ। रॉबर्ट, उस लाल वाले को क्या हो रहा है? वो फ्लाइट जो स्क्रीन पर है। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, जो भी लाल है वो हमारे रिमोट कंट्रोल पर है। जब तक कैदी रिहा नहीं होते,
मैं हर घंटे एक विमान बर्बाद करूंगा। वो कमीना रशीद उसे अभी से इस्तेमाल कर रहा है। सबको सावधान करो, अपने सारे विमानों को उड़ान भरने दो। बाहर निकलो, जल्दी करो। पक्की खबर है एडमिरल, आतंकवादी रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेन्स को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारे एयरबेस से चुराया गया है। तीन विमान उनके कब्जे में हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, तीन विमान। तो फिर वो रिमोट हासिल करो कर्नल, मैं उन आतंकवादियों को इतनी तबाही नहीं मचाने दूंगा। इसके करीब आ रहे हैं। वो ठीक हमारे ऊपर गिरने वाले हैं। आतंकवादियों ने पहला विमान क्रैश कर दिया। सभी इंटरसेप्टर्स अपने स्टेशन पर रहेंगे, हथियार दुश्मन के हाथ न लगने पाए। स्टेशन ध्यान दें, वो नागरिक विमान है और उनके नंबर है 737 और MD-80। उन्हें रिमोट एनकोडर अपनिंग द्वारा कब्जे में किया गया है। सर, ये खबर पक्की है, हथियारों में दूरबीन लगा लें। सर, वो एनकोडर ले गए और मिशन शुरू कर दिया। मेरे हिसाब से वो 30 मील दूर होंगे। हाँ, सब मुझे आकर मिले। डैनियल जी सर, इंटेल से अभी एक खबर मिली है, रशीद और उसके साथी पुराने ILF कैंप में छुपे हुए हैं। बताता हूँ हमें क्या करना है। जी सर, जल्दी चलो, हम तैयार हैं सर। फ्लाइट नंबर 917 उड़ान के लिए तैयार है। फ्लाइट नंबर 869, आप अपनी जगह लीजिए। जवानों, हमें इसे हासिल करना है। ये इलेक्ट्रॉनिक चाबी उस रिमोट कंट्रोल की है जो उस विमान में है, GCE-2100। रशीद ने एक घंटे बाद एक और प्लेन नष्ट करने की धमकी दी है, इसलिए हमें कुछ करना होगा तुरंत। हम जल्दी काम करेंगे, रशीद को शक नहीं होना चाहिए। हमारी टुकड़ी ने वहां 2 हफ्ते पहले कुछ चहल पहल देखी थी, इंटेलिजेंस ने उसे अनदेखा कर दिया था। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो इनकोडर तोड़ देगा और 700 जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। काम शुरू करो कैप्टन, अपने आदमी लो, हमें 2 मिनट में निकलना है। जी सर, सब निकलो जल्दी जल्दी। जी सर। सब लोग निकलो। कर्नल, अगर आपको वहाँ जल्दी और चुपचाप पहुँचना है तो आपको कोई ऐसा पायलट चाहिए जो तेज और नीचे उड़ान भर सके। मुझे लगा अब तुम फाइटर विमान उड़ाती हो। उस क्रैश में हमारे आधे पायलट मारे जा चुके हैं। मैं ही सबसे काबिल और इकलौती पायलट हूँ जो आपको उनकी नजर से बचाकर वहाँ पहुँचा सकती हूँ। हेलीकॉप्टर उड़ाना भूल तो नहीं गई तुम? ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। पिछली बार गोली नहीं लगी, तुम हमारे साथ उस मिशन पर नहीं थे।
हाँ, मैं हिंडनबर्ग मिशन पर नहीं था, पर फिर भी मुझे सब मालूम है। मैं उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, पर हाँ, उसे गोली लगी थी और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई थी। मैंने भी कुछ यही सुना था उनके बारे में। हम इस प्लेन में क्रैश होने वाले हैं, 1000 की शर्त लगा लो। 1000 की शर्त? 1000 के लिए तो मैं एक टांग पे भी इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरता रहूं। तुम कब से इतने काबिल पायलट हो गए? तो लगी शर्त। हमें तो चुपचाप वहां पहुंचना था, तो फिर ये हेलीकॉप्टर क्यों? तुम बहुत बोलते हो। अगर आना था तो अपने साथ कुछ रेंजर्स को ही ले आते। ये दिखावा है कैप्टन, हम उन्हें दूसरी ओर भेजने वाले हैं ताकि ऐसा लगे कि एक रूटीन उड़ान है। उसकी आवाज में हमारा आना छिप जाएगा। इसीलिए तो वो कैप्टन है। नहीं, इसीलिए तुम एक मामूली कॉर्पोरल हो। क्या हम पहुंच गए? 2 मिनट, सब तैयार हो जाएं। 2 मिनट सर, 2 मिनट। चलो दुश्मन को मार गिराएं। कैप्टन, उन्हें तैयार कीजिए, आपको पहले उतरना है। संभालना होगा। क्या कर रही हो तुम? सिर्फ हमें छोड़ने आई थी। तुम इस मिशन में नहीं हो। आगे बढ़ो। दूर से तुम्हारे हांफने की आवाज आ रही है। अगले चेकपॉइंट तक पहुंचने तक तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं सर। अगर तुम्हें दुश्मन दिख जाए तो क्या करोगे? मैं तो उन्हें फूंक डालूंगा। ए, तुम्हें पता आप किस तरफ जाना है? संभल कर रहना जैक्सन, इसका ख्याल रखो। समझ गया सिमंस। वो देखो दुश्मन। क्या कर रही हो? माफ करे सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी। दुश्मन को फोन करो, हम आ गए हैं। आपके पीछे दुश्मन था। जानता हूँ, और कूपर उसके पीछे था। मेरे आदमी देखते हैं, भांपते हैं और काम करते हैं। हम संभल कर रहते हैं। कुछ मत बोलो जब तक कोई पूछता नहीं, और तब तक गोलियां मत चलाओ जब तक कोई तुम पर गोलियां नहीं चलाता। समझ गए?
समझ गई। आधे घंटे में क्रैश हो जाएगा। कर्नल, उन्हें पता चल गया है। अब हो सके उतने आदमी भेज दें। सब कुछ तुम्हें ही संभालना है कैप्टन। जेनिंग्स अभी तक वापस नहीं आई है। वो यहाँ है सर। वहाँ है? हेलीकॉप्टर के साथ? नहीं सर, यहाँ जमीन पर। हमें हर पल की खबर चाहिए। हद कर दी, जेनिंग्स ने मेरा हुक्म नहीं माना। मुझे उसका इरादा पहले से जानना चाहिए था। हमें हर तरह की खबर चाहिए। स्टेशन रिपोर्ट करें। आ जाओ आ जाओ। मेरे पीछे से बहुत तकलीफ होने वाली है। ये सही नहीं है। उन्होंने कैंप को चारों ओर से घेरा हुआ है। झुके रहना। आगे बढ़ते हैं। C4, C4, go!
मुझे तुम्हारी C4 चाहिए। आप वहीं रुको, मैं कर लूंगा, ठीक है? मैं करता हूँ। जैक्सन, ये तुम्हारे काम की नहीं है, ये लो, ये मुझे दे दो। कैप्टन ने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर बुलाया है, तुम ये रखो, ठीक है? अपना ख्याल रखना जैक्सन। जी मैडम। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ है वो? मैंने आपके दुश्मन ढूंढ लिए हैं। चलो चलें। तो कुछ पता चला नहीं? सर, फ्लाइट 843 पांच मिनट में क्रैश होने वाली है। सर, हमें LF कैंप की उपग्रह तस्वीरें मिल गई हैं, पिछले हफ्ते की और आज की। सर, मैं इस बारे में कुछ जानना चाह रहा था। ये जनरल जी सर, सैटेलाइट डिश ठीक यहाँ है, ठीक है, वो मिल गए। मैं फ्लाइट 843 से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। लोग काफी बेचैन हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर है जो हम उन्हें दे सके? हमारे सबसे काबिला ऑफिसर वहाँ अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सारे यात्री सही सलामत वापस आ जाएंगे। Simmons! चलो चलो भागो यहाँ से। चलो
बस में कुछ नहीं, हमें सलाह दे, हम क्या करें? आगे बढ़ो, जल्दी करो। वो डिश के जरिए एनकोडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जल्दी पहुंचना होगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। जानते हो मैडम कैप्टन ने कितने लोगों को ढेर किया है? ये तारीफ का वक्त नहीं है। मैं सब समझता हूँ। सिमंस चलो। लाओ तो। सिमंस यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। यहां तो सिर्फ कबाड़ है, इससे विमान नहीं क्रैश कर सकते। इस वक्त हम 19,000 फुट की ऊंचाई से गुजर रहे हैं। अपना संतुलन बनाए रखें। चारों ओर घने बादल छाए हुए हैं, विमान की सभी प्रणालियां ठप हैं। अल्फा जवाब दे, अल्फा जवाब दे। अब हमारा विमान नीचे उतर रहा है, वो ऑटो प्रणाली में चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमें धोखा दिया है सर, यहाँ कुछ नहीं। वही कहीं एक डिश है कैप्टन, हमारी तस्वीरों में साफ दिखाई दी थी। 90 सेकंड में विमान क्रैश होगा। विमान क्रैश होने वाला है, सभी प्रणालियां बंद, कंट्रोल हमें आपके ट्रांसमिशन का इंतजार है। यहाँ कुछ नहीं है सर, वो डिश एक धोखा है, तुम्हें यकीन है? कुछ तो तसल्ली दो कैप्टन। हम सुन रहे हैं फ्लाइट 843, अपना संतुलन बनाए रखिए। रुकना जरूरी है, मैं फिर से दोहराता हूँ, रुकना जरूरी है। ये यकीनन धोखा है सर, यहाँ तो बिजली तक नहीं है। सभी प्रणालियाँ ठप हो गई हैं, हम क्रैश होने जा रहे हैं। 2 नंबर इंजन नष्ट हो गया है। अब 8,000, 3,000, 2,000, 500, हल्के का डोर। 843 आप सुन रहे हैं? 843 आप सुन रहे हैं? 843 जवाब दें। विमान की स्थिति बताइए। फ्लाइट 843 क्या आप सुन रहे हैं? सबको वापस ले आओ कैप्टन। सभी स्टेशन फ्लाइट की स्थिति दें। सब निकलो। आज पूरी दुनिया ने फ्लाइट 402 को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। इन सारे हादसों की जिम्मेदारी आतंकवादी गुट के सरगना रशीद अल फैजल ने ली है। यहाँ के लोकल अधिकारियों ने दुर्घटना की जगह पर बचाव काम शुरू कर दिया है। सेना की इस फ्लाइट को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, हमें बताया गया है कि इस दुर्घटना में किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है। मैं हूं हेनरी ली, हांगकांग से। अब वापस एंजेला के पास। विश्वास सूत्रों के अनुसार अभी भी कुछ विमान अपहरणकर्ताओं के कब्जे में हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने यात्रियों की पूरी छानबीन की थी, तो फिर सवाल ये उठता है कि आतंकवादियों ने इन विमानों पर कब्जा कैसे किया। अब हम आपकी सीधी बात करवाते हैं नाइजेल हैरिस से, जो अभी सरकारी कार्यालय के बाहर है। नाइजेल। हाँ एंजेला, मंत्री जी ने अभी इस बात को कबूल किया है कि उन्हें आतंकवादियों की ओर से एक वीडियो टेप प्राप्त हुई है। नाइजेल, विश्वस्त सूत्रों का मानना है कि जाने माने आतंकवादी लेफ्टिनेंट रशीद अल फैजल इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें बताइए, क्या मंत्री जी इस बात से सहमत हैं? बहुत से पत्रकारों ने मंत्री जी से आतंकवादियों के बारे में सवाल किए थे, पर मंत्री जी ने कहा और बहुत ही कड़े शब्दों में जाहिर किया, उन्होंने कहा
सरकार आतंकवादियों से सौदेबाजी नहीं करेगी। वैसे आतंकवादियों से कोई और संदेशा मिला है क्या? उन्होंने कहा है कि उनकी जो मांगे हैं। मैडम, आज आपकी स्टेशन पर किसी से बात हुई? वरना वो वहां कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। हो सकता है कि सब लोग घर चले गए हों, कोई काम ही ना कर रहा हो। मंत्री जी ने ये भी कहा है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। उन्होंने कड़े शब्दों में उनकी मांगों की निंदा की है। बेस पर हुए हमले की सेना के पास कोई फुटेज नहीं है। अगर ये काम सही कर देंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। मैं सच कहती हूँ, इस देश में भाषा की बहुत परेशानी है। तुम क्रैश की सही तस्वीरें लेना और उसके बाद आग के क्लोज शॉट लेना, समझ गए? हाँ। जल्दी करो। उस मरे हुए आतंकवादी का शॉट सामने डालना और सैम से कह दो हम 10 मिनट के अंदर ये दिखाने वाले हैं। अगर तुम ट्रैफिक से जल्दी निकल आते तो हम यहाँ 1 घंटा पहले पहुँच गए होते। कौन है यहाँ? कौन है आप लोग? भाई रुक। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बहुत गलत है। दिमाग मत खराब कर, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। नहीं भाई। मैं तुम्हें टीवी पर ला सकती हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकती हूँ। अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ। ये देखो क्या है। रुको, नहीं। मैंने कहा था ये तुम्हें मार देगा। क्या हाल है मेरे शेर? मैं तुमसे बेस पर मिलूंगा। जी सर। हुर्रा हुर्रा। हिम्मत रखना दोस्त। तुम अपने घर जा रहे हो दोस्त, अपने घर। उनकी कैंप की योजना एकदम सही थी। रशीद ने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया था। हमने अपने काबिल अफसर खोए और उसके अलावा रशीद एक और विमान उड़ाने की तैयारी में था, पर मैंने भी ठान ली थी कि उसे रोकूंगा किसी भी कीमत पर। क्या तुम एनकोडर को टीवी एंटेना से जोड़ सकते हो? शायद, अगर आसपास के सिग्नल की दखलंदाजी ना हो तो। हाँ या ना? हाँ। यहाँ के स्टेशन से संपर्क होगा? शायद। हेलीकॉप्टर्स को छानबीन के लिए भेजो। ध्यान से सुनो डेल्टा, हमें तलाश है माइक्रोवेव रिलेस की, टेलीविजन एंटेना की, कुछ भी जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। वो यही आसपास होने चाहिए। ये काम जल्द होना चाहिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आ गई। तो अब हम लोग क्या करें? कर्नल का हुक्म है कि तुम्हें बेस पर वापस लाया जाए। और हम एक और विमान को मंगासर पर क्रैश होता और हजारों लोगों को मरता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। इससे पहले कि रशीद उसे क्रैश करे, नौसेना उसे उड़ा देगी। उनके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, तो हमें क्या करना चाहिए? इस बार कर्नल का हुक्म मान लें। जैसा कि आपने देखा, आतंकवादियों ने दिन दहाड़े यहाँ
कि आप देख रहे हैं आतंकवादियों ने दिन दहाड़े टावर पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले से टावर के सुरक्षा कर्मी एकदम भौचक्के रह गए। ठीक है, ये टेक रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। ओ ओ सर, उसका क्लोज लो। हमें बताया गया है कि इस आतंकवादी दल के लीडर को सीढ़ियों से नीचे फेंका गया, जिससे वो जख्मी हो गया और वो बुरी तरह से घायल है। बस बहुत हुआ, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। तुम तैयार हो ना कैप्टन डैनियल्स? माफ कीजिएगा, क्या हम आपसे एक मिनट बात कर सकते हैं? सुना है कि आज आप असली हीरो थे कैप्टन। हो चुका है कैप्टन डैनियल्स, यहाँ कोई खुफिया टेस्ट हो रहे हैं क्या? इसीलिए आतंकवादियों ने बेस पर हमला किया? कुछ बताएंगे डैनियल्स? क्या कैप्टन जेनिंग्स तुम्हारे साथ हैं? जी सर, कैप्टन जेनिंग्स मेरे साथ हैं और हम बेस पर लौट रहे हैं। नहीं, आप लोग वहीं रहे कैप्टन, अगर कुछ जरूरत हो तो तुम्हारी टीम वहां होनी चाहिए। जी सर। तीसरे विमान की स्थिति में कोई बदलाव है सर? अभी तक नहीं। फ्लाइट 402 अभी भी आतंकवादियों के कब्जे में है। रशीद ने कहा है कि मुंगेसार के एक केमिकल प्लांट में उसे टकराने वाले हैं। रशीद तो कहीं पहाड़ों में जा बैठा है। हमारे लायक और कोई काम फिलहाल नहीं है। जनरल ने सभी हेलीकॉप्टर्स को छानबीन के लिए भेजा है। तुम पॉइंट 2.7 पर पहुंचो। मैं दोबारा बोलता हूं, 2.7 पर। हम फिर बात करेंगे। समझ गया सर। फरहाद यहां आओ। एक एम्बुलेंस खड़ी है, ये वैसी ही है जैसी हमारे बेस पर देखी गई थी। आपके क्या ऑर्डर हैं? बेस पर लौटाओ स्काउट। समझ गए, बेस पर लौटाओ और कैप्टन डैनियल्स के साथ वहाँ ईगल वन टीम को भेजेंगे। समझ गया। कैप्टन दक्षिण की ओर जाओ, वहाँ पहाड़ी पर टीवी स्टेशन है, वहाँ से खबर देना। समझ गया। शैमरॉक आउट। बुरा हुआ, सिर्फ वही एक ढंग का टीवी स्टेशन था यहाँ। हेलीकॉप्टर नीचे लो, मैं कर्नल को खबर कर देता हूँ। दुश्मन वहाँ। संभल कर। कर्नल आप सुन रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर गोलियां लगी है, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। मुझे शायद नहीं लगानी चाहिए थी। जाओ। नहीं छोड़ेंगे उन्हें, बिल्कुल मार डालेंगे। संभालना बच्चे, हम क्रैश होने वाले हैं। मैं निकल रहा हूं। सिमन जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। आगे बढ़ो, कवर फायर को। सिमन
बचाव करो। चलो रॉकेट फायर करने वाला है। जाओ सिमन, खून डालूंगा इन्हें। निकलो यहां से। हाँ निकलो 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 यहां से। चलो 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 निकलो निकलो। वो हमारे पीछे आ रहे हैं। निकलो यहां से। ग्रेनेड। आगे बढ़ो। चलो चलो अब तुम संभालो। सिमंस चलो। चलो सिमंस। सिमंस Okay.
नहीं है। जाओ, रास्ता साफ है। जाओ 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 जाओ, निकलो यहां से, मैं संभालता हूं। जाओ वो देखो, ठीक है, बूझ बूझ। जी सर, ठीक है सर। जाओ सिमंस, जाओ। अब मैं उसे बचाने जा रहा हूं। बचाओ करो। आप मेरी फिक्र ना करें, उन्हें खत्म करें। जेनिक्स 203। थोड़ा हिम्मत से काम लो, होश में आओ। चलो चलो चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हारने वाला वैसा नहीं हूँ सर। सांस लो, सांस लो। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम? मैं ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। सांस लो, सांस लो। क्या नाम है, अपना नाम बताओ तुम। सिमोन, कौन हो तुम? एक से एक, होश में आओ। ये जख्म जल्दी भर जाएगा। एक गोटू ले आइए सर, और घर चलते। हाँ
वहां चलते हैं। कैप्टन मिशन बेस वही फर्ज अपना। जेनिंग्स चलो चले। सैनिक आ गए।
रशीद को पकड़ना है। वो मोटरसाइकिल पर दक्षिण की ओर निकला है। तुम्हें ये उड़ाने की इजाजत मिली है? मैं बाद में ले लूंगी। समझ गए, आप सही सलामत लैंड करेंगे। फिक्र ना करें, सभी स्टेशन सावधान और तैयार रहे। हम उस विमान को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इससे पहले कि वो शहर में तबाही मचा दे हम उसे हवा में उड़ा देंगे। समझ गए कमांडर। जंगल में गया तो मुश्किल होगी। कोशिश कर रही हूँ। कर्नल, जानता हूँ। कैप्टन चैनिंग, वक्त खत्म हो रहा है, हमें वो इंपोर्टर चाहिए और इसी वक्त चाहिए। तुम सुन रही हो? सुन रही हो तो जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ कर्नल। ठीक उसी वक्त कैप्टन डैनियल्स उस एनकोडर से जूझ रहे थे। विमान के यात्रियों के लिए वो आखिरी उम्मीद थे, पर हालात नाजुक थे। हमारे पास एनकोडर को बेस पर लाने का वक्त नहीं था, और जैसा कि एडमिरल ने कहा, उसके चलने की कोई गारंटी नहीं थी। सिमंस और रिपोर्टर के लिए हेलीकॉप्टर भेज दो। टीवी स्टेशन पर 50 हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। वहाँ कई सैनिक जख्मी पड़े हुए हैं। आप लोग सुन रहे हैं? हमने सुन लिया, हम भेज रहे हैं। वो भेज रहे हैं। सभी स्टेशन ध्यान दें, विमान का क्रैश पॉइंट शहर के पूर्व में बसा कोई केमिकल प्लांट है। हमारे जवान जगह खाली करवा रहे हैं। इंटरसेप्ट, विमान इस वक्त जमीन पर है, आपकी क्या स्थिति है? सर, वो विमान हमारे निशाने पर है, मिसाइल बस छूटने वाली है। अपने हथियार तैयार रखो। क्रैश होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। बहुत कम समय है। वो विमान गिर रहा है और क्रैश पॉइंट की ओर जा रहा है। फ्लाइट नंबर 402 अपनी दिशा और गति हमें बताएं। हमारा विमान करीब पहुंच रहा है। फ्लाइट 402 की ऊंचाई में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। सर, मिसाइलों को लोड करो। मिसाइलें आप वार करने के लिए तैयार हैं। हमारी मिसाइलें वार करने के लिए तैयार हैं।
अपना रुख दो। एडमिरल आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हमें सिग्नल मिल रहा है। फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल, ये फ्लाइट 402 है। आप सुन रहे हैं? बहुत अच्छे पायलट, इसी तरह अच्छी खबर सुनाते रहो। ऑटो पायलट छूट गया है और विमान की सभी प्रणालियां हमारे कब्जे में है। हम दाईं ओर जा रहे हैं। ठीक है, हमने सुन लिया, विमान उड़ रहा है। विमान हमारे नियंत्रण में है। फ्लाइट 402, आप हमें दिखाई दे रहे हैं। इंटरसेप्ट, हमला ना करें, ध्यान से सुने, कोई हमला नहीं करेगा। कंट्रोल, हमें तुरंत लैंड करने की इजाजत दें। आपके लिए जगह खाली की जा रही है। हम आपको वेस्ट गार्डन एयरफील्ड पर लैंड करवा रहे हैं। पूरा रनवे आपका है। सभी लड़ाकू विमान अब वहाँ से लौट आए। शाबाश, हमारी उलझन सुलझ गई। विमान अब हमारे कब्जे में है। अच्छा काम किया सबने। अब दुआ करें कि उनके पास लैंड करने लायक ईंधन हो। शुक्रिया कमांडर, पर अब सिर्फ आप बची हैं। बचा ईंधन खत्म हो रहा है। हाइड्रोलिक्स 20% कम है। हम मैनुअल फ्लैप पर जा रहे हैं। हम लैंडिंग के लिए बेताब हैं। फ्लाइट कंट्रोल, बताएं आगे क्या करें। फ्लाइट कंट्रोल, विमानों को बुलाएं। रनवे पर दुर्घटना की संभावना है। 402 ओवर एंड आउट। समझ गया। इंटरसेप्ट, संभाल लें। समझ गए। गुड लक 402। उनकी आवाजों में एक शांति थी, पर ये तो एक आम इंसान भी समझ सकता था कि फ्लाइट 402 की हालत नाजुक थी। वो सब बंदी थे, पिछले 3 घंटों से मौत का सामना कर रहे थे। हमने उन्हें उनका विमान तो वापस दिया, पर अब उनका सहारा था विमान का ईंधन और हमारी दुआएं। शुक्रिया जनरल। कैप्टन जेनिंग्स। जी सर। मेरी जानकारी के मुताबिक आपने कई हुक्म ना मानते हुए खुद को एक बहुत ही नाजुक मिशन का हिस्सा बनाया है। मिलिट्री बेस पर लौटने के हुक्म को ठुकराया है। आपको इस बात से इनकार है? नहीं सर। अपने हथियार सौंप दो। आपको 2 हफ्तों के लिए ड्यूटी से निकाला जाता है कैप्टन। इन 2 हफ्तों के दौरान आपको अपनी वायुसेना की वर्दी पहनने की इजाजत नहीं है। आप समझ गए? जी सर। कैप्टन डैनियल्स। जी सर। हम इस ऑपरेशन में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन इसका एक और अच्छा नतीजा निकला है। इसलिए आप दोनों को अगले 2 हफ्तों तक टर्टल बीच होटल के एक आलीशान बंगले में आगे की योजनाएं बनानी है। मेरी बात समझ रहे हैं? और आज आप बिना कोई बहाना किए रात 8 बजे हमसे मिलने वाले हैं डिनर के लिए। सर वो खुश रहो। सुना है कि जनरल का भाई बहुत अच्छा खाना बनाता है। मुझे नहीं लगता मैं आप जा सकते हैं कैप्टन। शुक्रिया सर। मुझे खुशी। हमें 8 बजे होटल में मिलने का हुक्म मिला है। तुम कब से हुक्म मानने लगी? मैं तुम्हारे लिए तीखा खाना ऑर्डर करूंगी अगर तुम संभाल सको। ओह, मैं संभाल लूंगा कैप्टन जेनिंग्स। देखते हैं कैप्टन डैनियल्स। देखते हैं।